हेलो भाई मनु पवार, आज हमारे पास है भाई फोर्स की गुरखा यहाँ पे आ रखी है 4x4x4 जो इसकी है बैजिंग से यहाँ पे लगी हुई है। आज देखते भाई कितनी ये कैपेबल है। तो आज हमारे पास भाई बहुत तगड़ा हम जैसलमेर मिनी जैसलमेर मान सकते हैं यहाँ पे आ रखे हैं। ये आप देख सकते हो भाई बहुत ही तगड़ी यहाँ पे ट्रैक बना रखा है हमारे पास जहाँ पे हडल्स हैं। अभी एक सबसे मोटा हडल तो हमारे पास सबसे पहले यही है भाई। अब ये गड्ढा देखो तो ये कैमरे में इतना नहीं दिखता, इतना ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे पत्थर डाल दिए हैं, इनको पहले ये क्रॉस करना पड़ेगा। अरे निकल जाएगी इसमें से, बड़े आराम से निकल जाएगी भाई, नहीं होगा। अरे ये थार से ज्यादा कैपेबल लोग इसको कहते हैं। आज हम देखेंगे भाई आर्टिफिशियल जैसे गुड़गांव में बने हुए हैं वहां से, तो वो बनाई ऐसे रखे कि वहां से निकलेगी गाड़ी। लेकिन हमारे यहाँ पे एकदम नेचुरल है, यहाँ पे कोई इंसान बना के नहीं गया है। यहाँ पे भगवान ने अपने आप हमको सौंपे बना के कि लो बाबू आप मजे करो। इसमें दिक्कत ये है ये थोड़ा सा नीचे है ये। आओ आ जाओ जी, ले आओ आगे ये नीचे बहुत मतलब वो है यार इसके, ये जो है एक्सेलरेशन देखोगे ना कुछ तो ज्यादा ही नीचे से है। ए आ गई भाई, आ गई। आन दो जी, आन दो। इतना सीधा रहो, हैंडल और कर। अगर तो ड्राइवर बताने वाले भी उस्ताद रहते हैं अपने मन में, कोई पीछे बुला रहा है कोई आगे बुला रहा है। कैसे लगाया दिखाना पे? ये भाई यहाँ पे ये ना दिखाता हूँ, ये इस तरफ है, इसको खींच के और ऊपर घुमा देना तो लॉक लग जाएगा। अभी ये नीचे का है और ये ऊपर हो गया। अच्छा, तो ऐसे लग गया डिफरेंशियल लॉक। ठीक है भाई, अब भाई लो इधर। हाँ लो, बैग ले लो, एक अल्लाह पीछे नहीं पड़ सकते। बस आन दो। गई प्यार से गई। ओ भाई पीछे से उधर होगी गाड़ी, सीधा रहा हूँ। घबराना पड़ता है भाई। लो भाई नीचे से सिस्टम देखो इसका, गई बड़े प्यार से गई भाई, एकदम प्यार से गई भाई। ये जो है ना जैसे लॉक इसका क्या सीन है, अब जैसे वो फंस गई थी तो निकाल दिया लॉक, अब जरूरत नहीं है तो उसको अपना खींच के नीचे कर दिया। ये मतलब सिर्फ तभी एंगेज करना है जब गाड़ी फंस जाएगी, तभी इसको खींच देना है। और इसमें ये फायदा है कि ये फ्रंट भी है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैंने देखा है जहाँ और गाड़ियां बच जाती है तो वहां पे निकल जाती है। अब हमारे पास भाई ये बूढ़ा मिट्टी आ गई है, जैसा जैसलमेर वैसलमेर में रेत मिलती है ना बिल्कुल उसी टाइप की है। और इसका फायदा ये होता है पीछे नसैनी पे पीछे क्यों ले रहे हो भाई, आगे जान दो इसको, जाएगी तो आगे जाएगी। घूमो राजस्थान में, घूमो देखने जा रहे हो, ऊंट देख ले। बोलो पीछे से लाओ, लियो पीछे से मौसम बना के लाओ। अरे गाड़ी में जान है हमें, कोई नहीं हुई हूँ मसावे इंजन हुई हूँ। डिफरेंशियल लगाओ, अब डिफरेंशियल लॉक लगा दिए मैंने ऊपर, तो अब ये अगर फंसती तो नहीं। भाई वाह वाह भाई वाह, अब अगर नहीं चढ़ रही तो दूसरा भी लग जाएगा, दूसरा भी लगा दो। ये मजा है भाई प्रैक्टिकली ये डिफरेंशियल लॉक करने का मैनुअली। बस अगर फ्रंट लग जाए तो स्टीयरिंग को नहीं घुमाना। अच्छा, डिफरेंशियल टूट जाएगा। ओके, स्टीयरिंग को बिल्कुल नहीं घुमाना भाई फ्रंट लगाने के बाद। देखते हैं अब चढ़ती है ना चढ़ती।
पीछे लेके करो, पीछे लेके हो जाएगा काम। थोड़ी बैठने वाली माटी भी है यार। पहले की चलो जान दो। ये बात गई गई भाई साहब, ये बात भाई साहब गाड़ी पड़ी है भाई, ये ऑफ रोडिंग के हिसाब से तो ठीक है जी, बिल्कुल 110% अप्रूव्ड है। बिल्कुल इसके दाई कोई गाड़ी ना चढ़ पाएगी भाई, सही कह रहा है। अब ये हो एक और तगड़ा सा उतार हमारे पास भाई, इसमें से और देखते हैं गुरखा निकल पाती है नहीं निकल पाती। आ जाओ जी, ये मिट्टी थोड़ी सी ऐसी है भाई, ले आओ। आन दो आ गई, आन दो। भाई देख लो यार, लग रहा था ये उतरेगी इससे। और भाई ये गाड़ी तब से ही ना फोर लो में लग रखी है, पीछे का लॉक लगा लो, पीछे का थोड़ा स्ट्रगल कर रही है हल्का लिटिल लिटिल। डिफरेंशियल लॉक वाला बहुत तगड़ा सिस्टम है यार, भाई ने फोर लो ही लगा रखे तब से ही हैं, तो ये स्लिप मारती रहती है। इधर चढ़ा दो जहाँ वो लड़का खड़ा है भाई, डिफरेंशियल लॉक लगाते हैं रियर का और गाड़ी ऐसे चढ़ जाती है, बस पूछो मत ना। यहाँ पे ट्राई मारते एक बार लास्ट, इसका पूरा मौसम बना के एक बार देख लो, बहुत तगड़ी चढ़ाई है भाई ये। अगर यहाँ भी चढ़ गई ना फिर तो भाई ये गाड़ी लाजवाब है। दिनेश उतर जा, बहुत देर रहेगी, उतर जा, फालतू में हवाबाजी कर रहा दो घंटा है के। उतर भाई, एक मिनट रुकना, इसको उतर जाने दो, कोई ऊंच नीच हो जाए फालतू में यार। भाई को मजा आ रहा है, मजे लेने वाला लड़का है। चढ़ा दो जी, अब यहाँ चढ़ गई ना भाई तो फिर भाई इसके जैसी गाड़ी नहीं यार ऑफ रोडिंग के मामले में। मेरे लिए इसकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी मेरी नज़रों में इस गाड़ी की, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आ पाती। मैं इनको भी लेके आऊँगा यार यहाँ पे ऐसे तो। चलो अरे यो अपने आप टूट जाएगी भाई, बहुत एकदम ऐसी चढ़ाई है, एकदम ऐसी भाई। आपके तो लियाओ, आप एक बार और ले फैला, बहुत एकदम ऐसे खड़ी हो जा रही है गाड़ी। यहाँ तो मैं मुश्किल लग रही है हल्की सी, यहाँ बहुत ऊंची है यार। एक दो अल्लाह देख लेते हैं, लीक भी ना बन रखी ना, बात ये है यार। एक अलग ट्राई और मार लेंदे, हट जा। ना यहाँ नहीं आ पाएगी भाई, बहुत बहुत ऊंची है, यहाँ जेसीबी ना चढ़ेगी अपने दम पे तो पहुंचान तो चढ़ जाओ, अलग बात है। ये बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, सही कह रहे हो, यहाँ पे ना चढ़ेगी, यहाँ पे अगर आ जाओ सीधे तक चढ़ जाएगी यहाँ पे, वहाँ पे कर भी चढ़ जाएगी बड़े प्यार से भाई। यहाँ ना मतलब ट्रैक्टर भी फंस जाएगा, सही बता रहा हूँ। बूढ़े माटे की हुई तो नुकसान है, देखियो जाटा के छोरा। अरे यहाँ माटी ज्यादा वैसी है, देखना क्या बात है। यहाँ रहने देते हैं यार, यहाँ माटी बहुत ज्यादा बैठने वाली है। भाई नहीं जाएगी यहाँ कर, यहाँ माटी बहुत बैठने वाली है, ऐसे ले लो ऐसे, ये इजी है भाई, स्पेशल ले लो। आप लगाएंगे डिफरेंशियल लॉक,
तब देखना तब चढ़ेगी। चलो भाई अब इसको रेगिस्तान से निकालने का वक्त आ चुका है भाई। मैंने सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने दम पर निकल पाएगी, हमें लगा था कोई जेसीबी या फिर किसी ट्रैक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमारे एरिया में है यहाँ पे काफ़ी इजीली अवेलेबल रहती, इसलिए हमारा जिगरा थोड़ा सा कर जाता है हरकतें करने का, क्योंकि डरने वाली बात होती नहीं है। यहाँ से आ जाएगी अब ये गाड़ी इसे घूम के, शोर कितना मचाता है इसका इंजन यार। पर गाड़ी हारी ना माने कहते नहीं, खलस बेशरम गाड़ी है यार, पावर वाइज तो ले आओ आ जाएगी भाई। ऐसे गेंद लगाते हैं भाई दो चार, कभी लो पे तो वैसे ही चल रही है, कभी कोई सा लॉक करते हैं डिफरेंशियल, कभी कोई सा उठा के करते हैं। भाई मैं क्या बोलता हूँ, क्लच प्लेट में तो महकान लगी है, मैं क्या कहता हूँ उसको रेस्ट दे देते हैं थोड़ी देर, कभी कुछ या कि वैसे ही क्लच प्लेट बदल रखी है खल्ला तगो बोर में ना चढ़ पा रही। यहाँ कह के बैठ गई एंड में भाई, देखना निकल जाती है, वरना इस बैठी माटी में कौन सी गाड़ी निकलेगी कुछ सोचो आप। यहाँ से हमको यू टर्न मारना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे नहीं चढ़ पा रही है, थोड़ी क्लच प्लेट की भी महक आ रही है इसमें, इसलिए ये नहीं चढ़ पाएगी इससे एक्सट्रीम पे, तो आगे लेके चलते कहीं और से चढ़ाते हैं इसको, रेगिस्तान में से बाहर निकालते हैं। अब इसको बहुत इजी लोकेशन पे से निकाल रहे हैं भाई, ये देखो यहाँ से अब आ रही है गुरखा बाहर, यहाँ कर निकाल देंगे इसको इस लीक पे कर। अरे भाई यहाँ तो इनने रास्ता काट रखी है, शिट बैग जाएगी वहीं से फिर से। हाँ यार ये ब्लॉक कर रखा है, जहाँ से आए वहीं से जाना पड़ेगा। गुड ट्राई, ये यहाँ पे रुक जा भाई, बार बार यहाँ पे रुक जा यार, यू जा गड्ढे पे, यहाँ ठोकर लग रही है।